मैंने ये हॉरर मूवी देखी। इसे देखने के बाद मेरा दिमाग खिल गया। इस फिल्म में एक लड़की है जिसका नाम मेगली है। इस लड़की के शरीर पर एक चुड़ैल कब्जा कर लेती है। इस लड़की को सही करने के लिए एक फादर को बुलाया जाता है जिसका नाम पीटर होता है। ये पहले इस लड़की से प्यार करता था, ये बात इस चुड़ैल को पता है। और जब फादर इस लड़की को ठीक करने की कोशिश करता है तो चुड़ैल इसके सारे कपड़े उतार देती है और फादर को सेड्यूस करने लगती है। लेकिन फादर टस से मत नहीं होता और अपने मन और मस्तिष्क पर कंट्रोल करता है। और काफी तंत्र मंत्र की कोशिशों के बाद ये इस चुड़ैल को इस लड़की के शरीर से निकाल देता है। और जब मैगली सही हो जाती है तब फादर चेक करने के लिए इसके पास जाता है। जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो इन दोनों के बीच में वापस नजदीकियां बढ़ जाती है जिससे कि यह लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर 18 साल बाद दिखाया जाता है कि इसकी एक बेटी है और उसके शरीर पर भी एक चुड़ैल ने कब्जा कर रखा है। अब इस भूत को भगाने के लिए इसे अपने गुनाह को कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं निकल पाएगा। इस भूत को निकालने के लिए ये अपने सीनियर को बुलाता है लेकिन वे सारे मार जाते हैं। क्या ये इस लड़की को ठीक करने के लिए अपने गुनाह को कबूल करेगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। वाकई में ये मूवी काफी ज्यादा शानदार है और फुल पैसा वसूल है। मूवी का नाम है द एक्सोनिज्म ऑफ गॉड।